हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्राह्मण गेमर यूट्यूब चैनल। और ये जो आपको कुछ बेंचमार्क्स दिख रहे हैं, ये आपको हिंट देने के लिए है, ये आपको एक छोटा सा क्लिम्प्स देने के लिए है कि जो आज का जो पीसी बिल्ड है कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, कैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पीसी बिल्ड से। आज का जो पीसी बिल्ड है वो 40,000 के आसपास आने वाला है। ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिल्ड में कौन सी चॉइसेस चूज़ करते हो, ना कि ये बिल्ड आपको है गेमिंग करवाने के, बल्कि ये 1080p पर आपको स्ट्रीमिंग भी करवा सकता है और एडिटिंग भी करवा सकता है हल्की फुल्की। गेमिंग तो ऑफकोर्स गेमिंग पीसी बिल्ड है तो गेमिंग तो करवा ही देगा। तो देखते हैं पीसी कंपोनेंट्स। इंटेल कोर i3-10100F। लेकिन अगर कोई AMD फैन बॉय बोलता है कि भाई तूने AMD का कंपोनेंट्स क्यों नहीं लिए, तो AMD की प्राइस हाई जा रखी है। 3100 और 3300X इतना महंगा है, आए हाय प्राइसिंग क्या ही है उनकी। तो भाई इसलिए हमने इंटेल को चूज़ किया है। ये CPU है 4 कोर 8 थ्रेड का और 3.6 GHz इसकी बेस क्लॉक है और ये ओवरक्लॉक होता नहीं है। नाउ बात करते हैं इसके मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड इस वीडियो के अंदर यूज़ होने वाला है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ MSI का H410M Pro VH M ATX मदरबोर्ड। इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स 10th generation का सपोर्ट है और ये आपके बजट में भी आएगा। ये बेटर मदरबोर्ड, इसके अंदर आप M.2 लगा सकते हो और ऑफ कोर्स इसके अंदर दो ही आपको मेमोरी स्लॉट्स मिलेंगे, क्योंकि इससे अच्छा आप मदरबोर्ड अगर लेने जाओगे तो उसकी प्राइसिंग बहुत हाई हो जाएगी। मगर इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप कोई भी मदरबोर्ड देखोगे तो मेजॉरिटी उसके अंदर आपको दो ही रैम शॉट्स मिलेंगे। तो गाइज ये सबसे बढ़िया मदरबोर्ड है फिलहाल के लिए, तो जाकर बाय कर लो इसे। और हम जो रैम यूज़ करेंगे इसके लिए मोर देन सफिशेंट है, इसके अंदर और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मदरबोर्ड की तो बात हो गई यहाँ तक, और आप बात करते हैं रैम्स के बारे में। तो रैम्स लेने के लिए आपके पास 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन। बट अगेन, ये आप इंटेल का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो ध्यान से सस्ती रैम ही लेने है ना, ज़्यादा 3000-6000 कितने भी मेगाहर्ट्ज की रैम वो उठा के मत ले आना। कभी 2000 की रैम का आप 10000 की ले आओ और फिर बोलो कि हमारा पीसी बिल्ड महंगा है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ कि ये रैम है क्रूशल की तरफ से सिर्फ 4699 रुपये की, बट इसके ऊपर कूपन भी लगा सकते हो आप। और ये 2666 MHz की है, क्योंकि इससे ऊपर इंटेल सपोर्ट करता ही नहीं है। और ये कोई RGB नहीं, non-RGB रैम है और इतने में इतना ही मिलेगा। तो गाइस बहुत तगड़ी रैम है और इसे जाके बाय कर लो। अगर आप इन फ्यूचर भी कोई इंटेल का CPU लेते हो तो यही रैम आपकी चल जाएगी, इसे ही बाय करना आगे भी। बट देखो इंटेल कोर i3-10100F और नीचे देखो, बट मैं FE वर्जन लेने को बोल रहा हूँ, non-F महंगा मिलेगा। और इसकी जरा रैम कैपेसिटी देखो, DDR4 2666, तो इससे वो ऊपर इसमें चलेगी भी नहीं। तो क्या लोग झूठ बोलते हैं जो 3200 MHz चलाते हैं? नहीं, वो भी झूठ नहीं बोलते, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसके लिए आपको Z सीरीज़ का मदरबोर्ड बाय करना पड़ेगा, Z सीरीज़ का। और अगर आप बोलेंगे Z सीरीज़ का मदरबोर्ड, ज़रा यू उस पर जाकर देखो, गूगल पे सर्च मारो Z सीरीज़ का मदरबोर्ड, Z490 जिसे बोलते हैं, एक बार जाके सिर्फ प्राइस सर्च मारो, आपको पता लग जाएगा कि फिर तो आप इंटेल को लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आप महंगे से महंगे प्रोसेसर ले लोगे। एक बार इनके प्राइसिंग देखो, आए हाय क्या प्राइसिंग है, ऐसी प्राइसिंग आपको कहीं मिले ना मज़ा आ जाएगा। ये सब प्राइसिंग अगर इसने के अंदर हमारा पूरा PC बन जाएगा, जितने के अंदर ये खाली मदरबोर्ड आ रहा है, तो इन सब के चक्करों में मत पड़ो, यही रैम लेके चुपचाप बैठ जाओ।
अब बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज के लिए सिंपल सा आपको एक SSD और एक हार्ड ड्राइव ले लेनी है। मैं दिखा जरूर रहा हूँ 120 GB की, पर गलती से भी मत ले लेना, 240 GB एटलीस्ट लेना। इससे नीचे आपको लेके फ़ायदा नहीं, आपके पैसे डूब जाएंगे, फिर मेरे को मत बोलना कि भाई तूने ये बोला था। अभी बात करते हैं कैबिनेट के बारे में। तो ग्राफिक कार्ड की बात लास्ट में होगी। आप MSI का कोई भी कैबिनेट ले सकते हो, 100M, 100R कोई भी ले लो, या फिर अगर आपको ये नहीं मिलता है सस्ता तो आप किसी भी कंपनी के कैबिनेट के साथ जा सकते हो, 4-5 हज़ार का, 5 हज़ार का नहीं, 3-4 हज़ार का। तो ये देख लो, ये 100M पता नहीं 100R है कोई सा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप ये ले सकते हो एंटी स्पोर्ट्स का IS511MT, या फिर आप चिप्रोनिक्स की तरफ जा सकते हो। चिप्रोनिक्स एक ब्रांड है सस्ता मस्ता, तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हो। वाइपर RGB, तो ये भी मस्त कैबिनेट है। और इसके अलावा भी जाते हैं ग्राफिक कार्ड की ओर। तो ग्राफिक कार्ड में बोलता हूँ GTX 1650 सुपर, और आप इसके अंदर मिलता है आपको ट्यूरिंग एनकोडर, इससे आप स्ट्रीम भी कर सकते हो। तो 15,200 के आसपास मिल जाएगा, या फिर इससे नीचे जाना है तो RX 570 पर जाओ। RX 570 में ट्यूरिंग एनकोडर मिलता तो होगा, मेरे को ये नहीं पता कि मिलता है कि नहीं, पर ये RX 570 से बेटर कार्ड है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो गाइस इसे ही जाना, और यहीं पर अपनी बिल्डिंग वीडियो होती है ऑलमोस्ट ख़त्म। तो गाइस मिलते हैं अभी। पता नहीं सेकंड लास्ट के फर्स्ट लास्ट कंपोनेंट रहता है हमारा, वो है पावर सप्लाई। अभी पावर सप्लाई कौन सी लेनी है आपको? पावर सप्लाई लेनी है कॉर्सियर CV450। मोर देन इनफ पावर सप्लाई है आपके बिल्ड को पावर अप करने के लिए, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लासेस की वायर मिलती है आपको, स्लीव्ड केबल्स मिलती हैं, और 450 अगेन कॉर्सियर जैसे ब्रांड की तरफ से आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट बेस्ट और बेस्ट तीन ही शब्द निकलते हैं इससे, और ये 3,500 के आसपास मिलती है आपको। पावर सप्लाई ब्लैक कलर में मिलती है क्लासी, और ये आपके सामने और बेंच मार्क्स दिख रहे हैं। बढ़िया बढ़िया कीबोर्ड, बढ़िया बढ़िया माउस लगा के इस PC बिल्ड को चलाओ और मज़े करो, और बताना कि कितने के अंदर बनाए। ये आपका 40,000 के अंदर अंदर बिल्ड बन जाएगा, और वन ऑफ दी बेस्ट बिल्ड बनने वाला है आपका, देखते रह जाओ। क्योंकि अभी लॉकडाउन कोविड के चक्कर से हर मार्केट के अंदर प्राइसिंग अगेन बढ़ी हुई है हर चीज़ की। कभी 1662 पर आपको 19,000 के अंदर देखने मिलता था, अभी 22-23-24 तक मिलता है। तो गाइस बाय, टेक केयर।